कोरोना से डरिए नहीं, मुकाबले के लिए तैयार रहिए। साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, भीड़ से खुद को अलग रखिए, जरूरी हो तभी घर से निकलिए। न्यूज टुडे दरभंगा आपसे अपील करता है कि आप 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन अपने घर में रहें और इस मुहिम में आप अपना सहयोग दें। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर रामबाग दरभंगा। एडमिशन ओपन, गर्ल्स नर्सरी टू सेवेंथ, बॉयज नर्सरी टू फोर्थ। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा, एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा, सेलिब्रेटिंग रिकॉर्ड सक्सेस इन JEE मेंस 2020, नंबर वन इंस्टीट्यूट, बेस्ट रिजल्ट्स, बिग फैकल्टी टीम, इंफ्रा एंड मैनेजमेंट। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ टावर चौक दरभंगा। कल रविवार 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू, होगी विश्व की सबसे बड़ी बंदी। कोरोना से लड़ने के लिए PM के आह्वान पर पूरा देश मोदी के साथ। नहीं चलेगी रेल, मेट्रो रेल भी बंद, हवाई सेवाओं पर भी रहेगा असर। आप भी कोरोना से देश को बचाने की कोशिश में लगे योद्धाओं के सम्मान में शाम 5 बजे 5 मिनट तक बजाएं ताली और थाली। जनता कर्फ्यू का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, कोरोना के प्रकोप से बचाव का एकमात्र कारगर तरीका सामाजिक दूरियां रखना, बोले नीतीश कुमार। पूरे बिहार में रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल 31 मार्च तक बंद, बसों के परिचालन पर भी लगी रोक। रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से प्रभावित रोगियों की जांच, टीम मुस्तैद। कोरोना के मद्देनजर दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर का पट बंद, DM ने कहा भीड़ से बचें, घर में रहें। जारी की गई सभी एडवाइजरी का करें पालन, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर का पट भी बंद, जिलाधिकारी बोले सामानों की जमाखोरी नहीं करें लोग। मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री और उपलब्धता की जिलाधिकारी स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग, कहा कालाबाजारी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। कोरोना की वजह से शादी ब्याह में भी मुश्किल, दरभंगा से बिन बारात रवाना हुए दूल्हा। और अपहृत छूटा, 9 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, महीनों से फंसी थी जान, अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। हमें है आप पर गर्व, हम हृदय से करते हैं आपका सम्मान। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम अललपट्टी गंगा सागर दरभंगा की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं इलाज के प्रयास में समर्पण भावना से लगे देश के सारे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ देशवासियों के जज्बे को सलाम। हम प्रधानमंत्री के आह्वान पर रविवार दिनांक 22 मार्च 2020 को संध्या 5 बजे 5 मिनट तक इन सभी के सम्मान में ताली एवं घंटी बजाकर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हमारी एकजुटता इस वैश्विक आपदा से निपटने में तैयारी का परिचायक होगी। अफवाहों से बचें, केवल सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। डरे नहीं, डटे रहें एवं बचाव के प्रयत्नों में लगे रहें। कुछ दिनों के लिए योगा एवं जॉगिंग घर में ही करते रहें। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम की कामना है कि आप स्वस्थ रहें, हमारे देश को कोरोना वायरस से शीघ्र निजात मिले और चिकित्सकों के सम्मान में उक्त समय पर आप भी ताली बजाकर उन्हें तनाव मुक्त रहने में सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। और समाचार अब विस्तार के साथ। कल रविवार 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू, होगी विश्व की सबसे बड़ी बंदी। कोरोना से लड़ने के लिए PM के आह्वान पर पूरा देश मोदी के साथ।
नहीं चलेगी रेल, मेट्रो रेल भी बंद, हवाई सेवाओं पर भी पड़ेगा असर। आप भी कोरोना से बचने के लिए घरों में रहें, देश को बचाने की कोशिश में लगे योद्धाओं के सम्मान में शाम 5 बजे 5 मिनट तक बजाएं ताली और थाली। कल रविवार 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों से घरों में ही रहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। होगी विश्व की सबसे बड़ी बंदी। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम के आह्वान पर पूरा देश है मोदी के साथ। नहीं चलेगी 3,700 ट्रेनें, मेट्रो रेल भी रहेगी बंद, हवाई सेवाओं पर भी रहेगा असर। आप भी कोरोना से देश को बचाने की कोशिश में लगे योद्धाओं के सम्मान में उनका हौसला बढ़ाने के लिए कल रविवार 22 मार्च की शाम 5 बजे 5 मिनट तक अपने घर की बालकनी, छत या फिर अपने घर के दरवाजे पर बजाएं ताली और थाली। जनता कर्फ्यू का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, कोरोना के प्रकोप से बचाव का एकमात्र तरीका सामाजिक दूरियां बनाए रखना, बोले नीतीश कुमार। देर शाम बैठक कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में की समीक्षा। जनता कर्फ्यू का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, कोरोना के प्रकोप से बचाव का एकमात्र कारगर तरीका सामाजिक दूरियां रखना, बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम बिहार नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी सामाजिक दूरियां अपनाकर ही नोवल कोरोना वायरस बीमारी संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च 2020 को सुबह 7 बजे से 9 बजे रात तक जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर तरीका है। आम लोगों को अपने अपने घरों में ही सीमित रहना होगा। अभी अत्यंत आवश्यक इमरजेंसी कार्य के लिए ही बाहर निकला जाए। सामान्य तौर पर किए जाने वाले सभी कार्यों को अभी तत्काल स्थगित रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता कर्फ्यू 7 बजे सुबह से 9 बजे रात्रि तक ही सीमित नहीं रहे, 9 बजे रात्रि के बाद भी लोग घरों में ही रहें, लोग कम से कम घर से निकलें। उन्होंने आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सभी लोगों को साफ सफाई मेंटेन करने, सोशल डिस्टेंसिंग को कारगर तरीके से लागू करने एवं भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने हेतु सभी सार्वजनिक संस्थानों को बंद कर देने का निर्देश दिया है। कहा कि इसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन करने हेतु सुरक्षित भवन चिन्हित कर रखा जाए। उन्होंने ये बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताई है। कोरोना वायरस को नियंत्रित करने हेतु कल से सभी रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे, मंदिर भी बंद रहेंगे। मंदिरों में अधिकतम 3 व्यक्ति के द्वारा राजभोग एवं आरती का कार्य होगा। RTPS काउंटर, लोक शिकायत केंद्र, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र को भी अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इन सभी केंद्रों में ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। बालू खनन पर भी रोक रहेगी। निबंधन कार्यालय भी बंद रखने का निर्देश दिया गया। पूरे बिहार में रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल 31 मार्च तक बंद, बसों के परिचालन पर भी लगी रोक। दरभंगा जिले में सभी रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल 31 मार्च तक के लिए बंद, बसों के परिचालन पर भी लगी रोक। जिलाधिकारी ने व्यावसायिक संगठनों को बंदी आदेश के अनुपालन का दिया निर्देश। नोवेल कोरोना वायरस डिजीज 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा सभी रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, होटलों में संचालित बैंक्वेट हॉल को 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन SM द्वारा आज कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा जिले के व्यवसायी संगठनों के साथ बैठक की गई। उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में सरकार के निर्णय की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि रेस्तराओं में इन हाउस ऑपरेशन 31 मार्च 2020 तक स्थगित रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक होम सर्विस चालू रहेगी। जिले में कार्यरत रेस्तरा वाले उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी एवं टेक होम सर्विस चालू रख सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सभी बैंक्वेट हॉल भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। अगर कोई बैंक्वेट हॉल होटल में चलता है तो भी वह बंद रहेगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कल से अनिश्चितकालीन समय तक सभी प्रकार के बसों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यक पदार्थों के दुकान को बंद नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें अपने दुकानों को नियमित तौर पर सैनिटाइज करते रहना होगा। ग्राहकों को साबुन से हाथ धुलाने अथवा सैनिटाइजर से हाथों की सफाई करने की व्यवस्था रखनी होगी।
रेलवे स्टेशन पर दरभंगा में कोरोना संक्रमण से प्रभावित रोगियों की जांच हो रही है, टीम मुस्तैद है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित रोगियों की जांच हेतु तीन पालियों में रोस्टर ड्यूटी तैयार कर बाहर से आए यात्रियों का लगातार किया जा रहा है परीक्षण। आज 21 मार्च को जिला पदाधिकारी दरभंगा के निर्देशानुसार डॉक्टर अनिल कुमार सिविल सर्जन दरभंगा की अध्यक्षता में रवि कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी विशाल कुमार सिंह जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा स्क्रीनिंग कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में अधीक्षक रेलवे जंक्शन दरभंगा भी उपस्थित थे। कोरोना के मद्देनजर दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर का पट बंद। डीएम ने कहा जो एडवाइजरी दी गई है उसका अक्षरशः पालन करें, भीड़ से बचें, तभी कोरोना से हो सकेगा बचाव, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दरभंगा का प्रसिद्ध श्यामा मंदिर 31 मार्च तक बंद। बंद किए गए देवी के पट, एडवाइजरी भी जारी जिसमें लगातार जिलाधिकारी कर रहे हैं लोगों से इस पर अमल करने की अपील। 50 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो, वह भी तब जब बहुत ज़रूरी हो। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना सबसे अहम। ऐसा है कि हम लोग सभी लोगों को सजग रहने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। लोगों को एडवाइजरी भी निकाल दिया गया है। एडवाइजरी में 50 के ऊपर कहीं भी लोग नहीं रहने की सलाह दी गई है। अच्छी बात है कहीं लोग इस तरह का इसका सहयोग लेने के लिए आगे आ रहे हैं। श्यामा मंदिर जो बहुत प्राचीन मंदिर है वो बंद करने का निर्णय ऑफिस बेयरर्स ने 31 मार्च से बंद करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार कई निर्णय लगातार आ रहा है जो लोगों का सहयोग का संकेत है। और हम लोग एडवाइजरी में बहुत स्पष्ट कहे हुए हैं कि 50 लोगों के ऊपर कहीं नहीं रहें। लोग कम से कम जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकालें और सोशल डिस्टेंसिंग जितना ज़रूरत है उतना पालन करें। सचेत रहने से कहीं पीछे नहीं हटें, कहीं घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हम लोग निर्देश लगातार जारी कर रहे हैं। ठीक है, लगातार लोग आ रहे हैं, उसको लगातार जाँच की जा रही है। अभी भारत सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो मरीज आते हैं लक्षण के साथ, अगर वो नॉन कोविड 19 का पेशेंट के साथ संपर्क में, ज्ञात पेशेंट के साथ संपर्क में आए थे या विदेश से लौटे थे जहां पर संक्रमण तेज़ी से फैल रहा हो, उन्हीं को तत्काल जांच करना है। उसी स्ट्रैटेजी अपना करके जांच चल रही है। अभी तक जो जांच हुआ है वो सब नेगेटिव निकला है, तो हम लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं। और जो सूची भारत सरकार से भी प्राप्त हो रही है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, विदेश से जो लगाए हैं, उसको सारे सूची एयरपोर्ट के माध्यम से हमें प्राप्त हो जा रही है। इन सब का निगरानी लगातार रखी जा रही है, कोई परेशानी महसूस नहीं आ रही तत्काल। लेकिन सब लोग मिलकर के सतर्कता के साथ रहने का और सजग रहने का बहुत आवश्यकता है। बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर का पट भी बंद। जिलाधिकारी बोले सामानों की जमाखोरी नहीं करें लोग। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से बंद किए गए कुशेश्वर स्थान में बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर के पट, सामानों की जमाखोरी करने से बचने की जिलाधिकारी ने की अपील। कहा सामान पर्याप्त हैं, आप जमाखोरी न करें कोरोना के डर से। अभी भी हम लोग निर्देश लगातार जारी कर रहे हैं। और कहीं मेला, आज भी सुबह एक सूचना मिली थी लोगों से कि एक मेला चल रहा है कुशेश्वर स्थान में, तुरंत बंद करने का निर्देश हमने SDO के दिया, वो आज बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई चल रहा है तो जरूर आप सूचना दे सकते हो, उस पर कार्रवाई हो। ठीक है, वो तो हम लोग का एडवाइसरी तो सबको है, कुशेश्वर स्थान और बेनीपुर का अलग अलग नहीं है, सबके लिए यही निर्देश है और एडवाइसरी है। तो अनुरोध और अपील रहेगा लोगों से कि यथासंभव कम मेला आयोजन ये सब में पार्टिसिपेट करें और कम से कम बाहर निकालें घर से, और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही लोग रह करके अपना काम निपटा सकते तो बेहतर है। बट ये अफवाह गलत है कि एसेंशियल आइटम्स जो अनाज, दाल, सब्जी, ये सब का कमी आ सकती, ये सब कोई कमी नहीं है। इसको लेकर के कहीं कुछ अफवाह फैला करके दाम अगर ज़्यादा बेचने का कोई काम करेगा तो उनको विरुद्ध कठोर करना। मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री और उपलब्धता की जिलाधिकारी स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग। कहा कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। डीएम ने कहा मास्क की बिक्री पर है पैनी नजर, लगातार हो रही छापेमारी, कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं।
देखिए, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध नहीं होने की सूचना आपको मिली है। ज़्यादा दाम पर बिकने का सूचना तो आप पहली बार दे रहे हैं। वो 9 दुकानें पर छापामारी दी गई, कहीं भी सैंपल नहीं उपलब्ध था। और हम लोग ने निर्देश दिया CSDO को लगातार इस पर छापामारी करने का और इस पर कार्रवाई करने का। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड प्री फाउंडेशन फॉर क्लास 7 to 10, ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। क्वालिटी स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इम्पेकेबल एडमिनिस्ट्रेशन, हाई क्वालिटी एंड ट्रेन्ड फैकल्टीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड स्पेशल हेल्प डेस्क, पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड मोटिवेशनल सेमिनार्स, वेल इक्विप्ड रिच लाइब्रेरी, सेफ कैंपस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रिजनेबल फी। कम सी एंड डिसाइड। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE मेन, एडवांस एंड नीट। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres, environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 7763819774. कल रविवार 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू, होगी विश्व की सबसे बड़ी बंदी। कोरोना से लड़ने के लिए PM के आह्वान पर पूरा देश मोदी के साथ। नहीं चलेगी रेल, मेट्रो रेल भी बंद, हवाई सेवाओं पर भी रहेगा असर। आप भी कोरोना से देश को बचाने की कोशिश में लगे योद्धाओं के सम्मान में शाम 5 बजे 5 मिनट तक बजाएं ताली और थाली। जनता कर्फ्यू का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, कोरोना के प्रकोप से बचाव का एकमात्र कारगर तरीका सामाजिक दूरियां रखना, बोले नीतीश कुमार। पूरे बिहार में रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल 31 मार्च तक बंद, बसों के परिचालन पर भी लगी रोक। रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से प्रभावित रोगियों की जांच, टीम मुस्तैद। कोरोना के मद्देनजर दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर का पट बंद, DM ने कहा भीड़ से बचें, घर में रहें। जारी की गई सभी एडवाइजरी का करें पालन, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर का पट भी बंद, जिलाधिकारी बोले सामानों की जमाखोरी नहीं करें लोग। मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री और उपलब्धता की जिलाधिकारी स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग, कहा कालाबाजारी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। कोरोना की वजह से शादी ब्याह में भी मुश्किल, दरभंगा से बिन बारात रवाना हुए दूल्हा। और अपहृत छूटा, 9 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, महीनों से फंसी थी जान, अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। कोरोना की वजह से शादी ब्याह में भी मुश्किल, दरभंगा से बिन बारात रवाना हुए दूल्हा। कोरोना की वजह से शादी ब्याह में भी मुश्किल, दरभंगा से एक शादी के लिए बिन बारात रवाना हुए दूल्हा। दरभंगा जिले के सीसो पश्चिमी क्षेत्र के मुखिया शमशे आलम है दूल्हा। पिछले 3 महीने से चल रही थी शादी की तैयारी, 3000 कार्ड बांटे गए थे, 22 मार्च को होनी है शादी, 26 को रिसेप्शन की थी बात, लेकिन अब बिन बारात और बिन रिसेप्शन के ही संपन्न हो रही है शादी। अपहृत व्यवसायी छूटा, अपहरणकर्ता गिरफ्तार, महीनों से फंसी थी जान, हथियार भी बरामद।
सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत फिरौती के लिए अपहरण की घटित घटना में अपहृत सकुशल हुआ बरामद। कांड में संलिप्त अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। इस कांड में मुख्य लाइनर की भूमिका रवि रंजन कुमार के द्वारा निभाई गई। रवि रंजन कुमार अपहृत रमन कुमार ठाकुर का गहरा दोस्त था तथा अपहृत के घर पर लगातार उसका आना जाना रहता था। मतलब गहरे दोस्त ने ही निभाई लाइनर की भूमिका और करवा दिया अपने दोस्त का अपहरण। रमन कुमार ठाकुर उर्फ चुन्ना को अज्ञात अपराधियों के द्वारा बाइक सहित फिरौती हेतु अपहरण कर लेने के आरोप में कांड अंकित कराया गया था। घटित घटना के बाद आरंभ में पुलिस के द्वारा फिरौती हेतु अपहरण सहित कई दिशाओं में अनुसंधान किया गया। एक संभावना यह भी व्यक्त की गई कि अपहृत काफी धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो कहीं किसी तीर्थ स्थल पर चुपचाप तीर्थ करने तो नहीं चला गया, जैसे मथुरा वृंदावन। इन जगहों पर काफ़ी खोजबीन कराई गई, विभिन्न स्थलों पर लगे सीसीटीवी का फुटेज निकाला गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि में भी उनकी बाइक खोजने का प्रयास किया गया। कई अपराधियों की गतिविधि की भी छानबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना के एक महीना बीतने के बाद नेपाल के एक मोबाइल नंबर से कॉल आया तथा उसके बाद यह नंबर बंद कर लिया गया। पुनः कुछ दिनों के बाद एक इंडियन नंबर से कॉल कर बताया गया कि अपहृत उनके पास है। इसके बाद अभियुक्तों द्वारा नए नए सिम बदलकर अपहृत के परिवार को कॉल कर विश्वास दिलाया गया कि अपहृत उनके कब्जे में है तथा फिरौती की भारी राशि की मांग की गई। पीड़ित परिवार के द्वारा इतनी राशि देने में अपनी असमर्थता जताई गई, परंतु पुलिस की सक्रियता के आधार पर पुनः अभियुक्तों के द्वारा अपना मोबाइल बंद कर लिया गया। इसके 5-6 दिन के बाद अभियुक्तों द्वारा पुनः एक नए मोबाइल नंबर से फिरौती की मांग की जाने लगी। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, प्रशिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस कर्मियों ने इस कांड के अनुसंधान में आरंभ से लेकर अंत तक कड़ी मेहनत की तथा गिरोह की गतिविधियों और तथ्यों के बारे में सभी खुफिया जानकारी एकत्रित की गई। इस गिरोह के 9 अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए अपहृत रमन कुमार ठाकुर को सकुशल बरामद करने में कामयाबी पाई गई। इस गिरोह का मुख्य सरगना अजय सिंह तथा कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तमाम जानकारी पत्रकारों को दी गई पुलिस के द्वारा। अपराधियों के पास से 9 mm की एक पिस्टल, 9 mm के 9 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन 19 की संख्या में, कीबोर्ड के साथ लैपटॉप 1, खुखरी चाकू 1 बरामद हुआ है। व्यवसायी का अपहरण हुआ था। हालांकि शुरू में हम लोगों ने अपहरण सहित खुद से चले जाने एवं अन्य सभी बिंदुओं पर जांच की, लेकिन काफ़ी समय तक किसी तरह की कोई मांग नहीं आने पर हम लोगों ने भी एक बार ऐसा लगा कि शायद हो सकता है काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए लगता कहीं पूजा पाठ के लिए चले गए होंगे। लेकिन फिर एक लंबे इंतज़ार के बाद नेपाल के एक नंबर से कॉल आया, जिन्होंने इनको धमकी दी और उसके बाद फिर से मोबाइल बंद कर लिया गया। फिर कुछ टाइम के बाद एक भारतीय नंबर से कॉल करके इनसे इनको धमकी देकर फिरौती की मांग की गई और पुलिस लगातार इस मामले पर नज़र रखे हुए थी। कई आपराधिक ग्रहों की हमने गतिविधियों की छानबीन की, अंत में हम लोगों ने इस गिरोह को डिटेक्ट कर लिया और इसके सभी जो लोग थे उनकी सूक्ष्म गतिविधि पर हम लोग नज़र रखने लगे। कल जाके इस गिरोह का हम लोगों ने उद्भेदन किया, सरगना सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अपहृत की कुशल बरामदगी हो गई। अपराध में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, 4-चक्का गाड़ी का और एक बुलेट मोटरसाइकिल का, उसकी बरामदगी कर ली गई। अपहृत के पास जो मोटरसाइकिल थी जो उसी समय से गायब थी, उसकी बरामदगी हो गई। इसमें जो सरगना है अजय सिंह, वो शिवहर जिला का रहने वाला है
पूर्व में भी इस तरह के किडनैपिंग के कई केस में वो जेल जा चुका है, कुछ केस में वांछित है। इसके अलावा बबलू झा सीतामढ़ी से उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी एक नोटोरियस क्रिमिनल है। गैंग के अन्य कई लोग हैं जो पहले से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इसके अलावा एक उल्लेखनीय बात ये सामने आई कि जो अपहृत है उसका एक पारिवारिक मित्र ने ही इस सारे प्लान को अंजाम दिलाया है, इसने मुख्य लाइनर की भूमिका अदा की। इनको मुजफ्फरपुर के जीरो माइल चौक के पास से अजय सिंह नाम का एक सिक्योरिटी एजेंसी संचालक था, उसके आवास से बरामद किया गया। इनके पास से उनके आवास से एक पिस्टल और 6-8 गोली भी बरामद हुई है, जिसको मुजफ्फरपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया अगर तक कानूनी कार्रवाई के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे मोबाइल, सिम, बैग, मोटरसाइकिल, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक कार, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। शुरू में इन्होंने 5 करोड़ रुपए की मांग की, जब पीड़ित परिवार ने अपनी असमर्थता जताई तो उन्होंने फिर 2 करोड़ रुपये आ गए। जब 2 करोड़ में भी सक्षम नहीं हुआ पीड़ित परिवार, फिर ये कम करते करते 70-80 लाख की डिमांड इन्होंने शुरू कर दी। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी डिमांड कम की, लेकिन फिर भी वो राशि पीड़ित परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ था कि इस तरह की कोई राशि का भुगतान नहीं होने देना, उससे पहले हम लोग इस गैंग का उद्भेदन करेंगे और अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे। इसके अलावा एक उल्लेखनीय बात मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि इस पूरे ऑपरेशन में एसटीएफ ने भी बहुत ही मुख्य भूमिका अदा की और हम लोगों को हर तरह से सहयोग किया इसमें। इनको अपहरण करने के बाद 3-4 जगह पर रखा गया। पहले शुरू में एक मीनापुर थाना क्षेत्र में खेत में रखा गया, फिर किसी एक किसान के घर पर रखा गया और अंत में शिफ्ट करके इनको यहाँ मुजफ्फरपुर जीरो माइल के पास मिलाया गया। और बजरंग दल ने जनता कर्फ्यू के समर्थन में लोगों को किया जागरूक। बजरंग दल की दरभंगा जिला इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान को सफल बनाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, निकाला जागरूकता अभियान। कोरोना वायरस से डरना नहीं, कोरोना वायरस से डरना नहीं, कर्फ्यू को सफल बनाना, जनता कर्फ्यू को तरीके से सैनिटाइज भी हो जाएगा। तो बस इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी कहे हैं कि कल के डेट में जनता कर्फ्यू हो और सब कोई खुद ब खुद घर में लॉकडाउन हो जाए। ये जैसा कि नरेंद्र मोदी जी का घोषणा हुआ है कि जनता कर्फ्यू को सफल बनाना है, तो दरभंगा जिला में बजरंग दल की ओर से हम लोग जनता में जागरूकता करने के लिए जो जनता कर्फ्यू 22 तारीख को लगने वाली है, उसके लिए हम लोग जागरूक करने के लिए सभी लोग आज निकले हैं जनता को जागरूक करने के लिए कि कल का जो जनता कर्फ्यू है वह सफल हो। ये था तक समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कल रविवार 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू, होगी विश्व की सबसे बड़ी बंदी। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम के आह्वान पर पूरा देश मोदी के साथ। नहीं चलेगी रेल, मेट्रो रेल भी बंद, हवाई सेवाओं पर भी रहेगा असर। आप भी कोरोना से देश को बचाने की कोशिश में लगे योद्धाओं के सम्मान में शाम 5 बजे 5 मिनट तक बजाएं ताली और थाली। जनता कर्फ्यू का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, कोरोना के प्रकोप से बचाव का एकमात्र कारगर तरीका सामाजिक दूरियां रखना, बोले नीतीश कुमार। पूरे बिहार में रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल 31 मार्च तक बंद, बसों के परिचालन पर भी लगी रोक। रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से प्रभावित रोगियों की जांच, टीम मुस्तैद। कोरोना के मद्देनजर दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर का पट बंद, डीएम ने कहा भीड़ से बचें, घर में रहें। जारी की गई सभी एडवाइजरी का करें पालन, खुद भी बचें दूसरों को भी बचाएं। बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर का पट भी बंद, जिलाधिकारी बोले सामानों की जमाखोरी नहीं करें लोग। मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री और उपलब्धता की जिलाधिकारी स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग, कहा कालाबाजारी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। कोरोना की वजह से शादी ब्याह में भी मुश्किल, दरभंगा से बिन बारात रवाना हुए दूल्हा। और अपहृत छूटा, 9 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, महीनों से फंसी थी जान, अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा।
आपसे पुनः अपील करता है न्यूज टुडे दरभंगा कि आप जनता कर्फ्यू में अपना योगदान दें। आपका योगदान यही है कि आप अपने आप को अपने घर में ही रखें, आप दूरियां बनाए लोगों से, सामाजिक दूरियां, सोशल डिस्टेंस, क्योंकि यही है बचाव का सबसे कारगर तरीका। नमस्कार, जय हिंद।